किसे चाह रही हो 2022 में कौन बने? कहां पर तो कौन मरे कौन जिए सुसुरो ना, इस दौर में दुनिया की महंगाई हो गई। हाँ ये और पिछली दौर में तो कुछ ना हुआ इतनी महंगाई। अच्छा तो क्या चाह रही हो तुम? क्या चाह रहा है? हाँ, बताओ। अब होगी हो जा मोदी हो जा मोदी बाप हो, वो हमें देंगे तो हम उन्हें देंगे वोट। अच्छा लेकिन... और देखो खाद पे तुम्हारे अब 250 रुपए और बढ़ गए। अब तो यहाँ है वोट मारो, कौन का जी कौन मुल्ला सब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह किसे पहचानेंगे हम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरिफ अंसारी और आप देख रहे हैं एसकेएस वेब न्यूज। दोस्तों 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी, कौन 2022 में विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा पाएगा, ऐसे ही कुछ सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के साथ आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जलारामपुर के 38 मलक विधानसभा शाहबाद के क्षेत्र ग्राम जटपुरे में। जटपुरे वालों की क्या सोच है, क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं उनके, आइए जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या चाहते हैं 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? यही महात्मा जी। महात्मा जी, योगी जी? योगी जी। क्यों बने, क्या क्या काम पसंद आए आपको उनके? सही, सभी काम पसंद है। क्या काम पसंद आए बताओ, एक आध दो काम बता दो। यही जनता के लिए सही कर रहे हैं। नहीं, क्या काम पसंद आए, कुछ कामों के नाम बता दो एक आध। ये विकास सही करा रहे हैं, विकास। अच्छा, तो विकास में क्या क्या कराया इन्होंने? बिहार में ये गरीबों को राशन दिलाना। अच्छा, और रास्ता सही कराने। अच्छा, रास्ता सही कराने। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत कर दी योगी जी ने, और रोजगारी कर दी, बेरोजगारी के लोग कर दी, रोजगार का बढ़ा दिए, रोजगार बढ़ा दिए। इसमें किसी का कोई कसूर थोड़ी है, डूबे पड़े हैं तो होगी तो ऊपर वाली महिमा है। जब जो होगी मानेंगे, जब जोगी मानेंगे तब वो देंगे ना हमारा खर्चा, जब डूबे पड़े हो तो। तो किसे चाह रही हो 2022 में कौन बने? कहां पे तो कौन मारे कौन जिए सुसुरो ना। अब तो वोट आने वाले हैं, वोट पड़ने वाले हैं, किसे वोट दोगी, किसे वोट दोगी? हम अच्छो चाहो भाई देंगे। अब सरकार तो सब देख ली तुमने, योगी को भी देख लिया, अखिलेश को भी देख लिया, जो कि हमारे थोड़ा आगे ना मारे घाट में तो देंगे वोट, और ना आए तो वहीं से बोलते रहेंगे, हम यहाँ से देते रहेंगे। तो ना दोगी? तो ना दोगी? ना बोलेंगे तो ना देंगे, तो बोलेंगे तो है ही वो, बोलेंगे तो देंगे। अच्छा, योगी को दोगी वोट? हम तो जो हमारे थोड़ा पुकारेंगे भाई देंगे, जो हमारे अच्छे काम, जो हमारा अच्छा काम करेगा, वो धान डूबे पर वो है। अच्छा, तो धान डूबे पड़े हो तो क्या चाह रही हो तुम? क्या चाह रहा है? हाँ, बताओ। अब होगी हो जा मोदी हो जा मोदी बाप हो, वो हमें देंगे तो हम उन्हें देंगे वोट। अच्छा, आ जाओ पेट में पड़ेंगे खाएंगे तो जान आ जाएंगे तो देंगे वोट। अच्छा, ना तो कहाँ से देंगे? अच्छा, अगर मुआवजा ना मिला इन धानों का? अब तो यहाँ है वोट मारो, कौन का जी कौन मुल्ला सब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह किसे पहचानेंगे हम। अच्छा, क्यों ये बातें कर रहा हो तुम? तो अब योगी को ही दोगी वोट? ही खवाएंगे तो अच्छे कर काम करेंगे, और तेल खवाएंगे तो हले हले जेल होंगे। 5 साल योगी जी ने बिता दिए अपने। हाँ? तो कैसे बिताए, मतलब अच्छे काम करे उन्होंने, अच्छे काम करे या बुरे काम करे? बहुत अच्छा ही करे, अच्छे करे हैं। और का? अच्छा, इंजेक्शन भी बढ़िया लगा रहा है, वैक्सीन वाली। अच्छा, और कूद कूद के जा रहा है, मर रहा है, बुखार आ रहा है, क्या कर रहा है, कौन देगा दवा? अच्छा, हाँ वही एक गोली दे दे, आधी आधी खपा दे, दिन में खाओ एक रात में खाओ, वही आधी आधी गोली दे दे। क्या करे, अपने घर में पैसा ना है तो कहाँ से लावे, चोरी करके लावे, डकैती करके लावे, मार देगा हमें, और कोई चाहेंगे तो मांगने। क्या नाम बताओ आपका? ख्याली। तो किसको चाहते हो 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? मोदी सिंह। मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, योगी बनने सिंह है? योगी क्यों चाहते हो, क्या कोई काम पसंद आया उनके? फायदा ही पहुंचाया उन्होंने अब तक, नुकसान कब दिया है? क्या फायदा पहुंचाया है बता दो। हमारे क्षेत्र में चोरी ना भाई। अच्छा, गुंडागर्दी ना भाई। अच्छा, हाँ हमदर्दी वसीली पहुँचा दिए। अच्छा, तो और कोई काम पसंद आए उनके इनसे अलावा, चोरी से और? हाँ, सब काम उनके अच्छी मालूम ना है, शीघ्र जब ही तो चाह रहे हैं। अच्छा, चोरी तो पिछली सरकार में ना होती थी? हो भाई पहले सरकार में चोरी हो भाई। हाँ, तो चोरी तो गुंडागर्दी हो भाई, डंगर जहाँ बांधता है डंगर खोल कर ले जा पाए, चोरी क्यों ना हो? चोरी तो अब भी ना रुकी, अब भी तो हो रही है चोरी? नहीं, अब नहीं हो रही है। हम तो काशगार लैंड के आदमी, अंजन हम छोड़े आ पाए खेत पर तो खोल कर ले जा पाए। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, डीजल पे महंगाई काफी बढ़ गई है। अब ये तो काशगार था, थोड़ा परेशानी दरिए का मतलब डीजल पे महंगाई है। हाँ, ये महंगाई तो है, पेट्रोल पे बहुत महंगाई है। हाँ, पेट्रोल पे और खाद डाई पे भी महंगाई बढ़ गई है। हाँ, थोड़ी बढ़ा रखी है, थोड़ी ना काफी महंगाई बढ़ा दी है, काशगार परेशान है। तो इस पे क्या कहोगे? अब इस पे क्या कहें,
नहीं कहो इस पे कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। फायदा कहाँ है, है? फायदा कहाँ है ना, फायदा तो है बताओ तो। फायदा है अब ये बहुत चीजों के फायदा है। तो क्या नाम है आपका? तो क्या चाहते हैं 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। क्यों क्यों बनेंगे, क्या वजह है? सभी सुविधा है, सब औरतों तक कहीं फिरती रहो, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा हाँ, बहुत शक्ति बढ़ती है इनके ताई, और कोई कमा के तो हम अपने आप खाऊ है या सब कोई मतलब नहीं है। पर सरकार बढ़िया चाहते हैं, बढ़िया सरकार है, हारती सरकार नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि विकास योगी जी ने नहीं कराया है। वो ठीक है, वो तो हर पार्टी की बात है, जो उनकी पार्टी के आदमी हो बाकी बात करते हैं वो। अच्छा, तो आप योगी जी की सरकार चाहते हैं? हाँ, 2022 में मुख्यमंत्री योगी जी बने। हाँ बिल्कुल बनेंगे। अच्छा अच्छा, 38 मिलक विधानसभा से किसका बीजेपी की पार्टी से टिकट चाहते हैं आप, कौन उत्तर इसमें? टिकट तो अब जो पार्टी की बात है कहने दे, में हम तो काई को नचाए, जो आएगा वो लड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी से कोई भी आए उसे लड़ाएंगे। लेकिन महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई आपकी इस सरकार। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो महंगाई कोई बस की बात तो नहीं है। नहीं, ये तो सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में कैसे, जब जितने खर्च सरकार फालतू कर रही है जनता को दे भी रही है तो कहीं से तो पैदा करेगी ना। अब बताओ 107 रुपए को पेट्रोल हो गया, 100 रुपए को डीजल हो गया, डीजल में तो बहुत रेट भी तो बते रहे हैं किसान के ताई, बते रहे रेट है, गन्ना 350 कर दा, धान तो, रेट बते रहे हैं। तो योगी जी ने तो 25 अब बढ़ाए, 10 पहले बढ़ाए थे, 35 रुपए बढ़ाए, बाकी पिछली सरकार ने बढ़ाई तो रेट। पिछली सरकार तो बहुत काफी पहले बीत गई। क्या नाम है? बोला मेरा नाम अकबर अली है। अकबर अली, किसी बुरे धड़क बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात ना। दिक्कत क्या है बोल दो तुम, कोई परेशानी थोड़ी है इसमें, बोलो ना। इस दौर में दुनिया की महंगाई हो गई। हाँ ये, और पिछली दौर में तो कुछ ना हुआ इतनी महंगाई। तो क्या चाहते हो 2022 में किसी सरकार ने? डीजल मद्दा होना चाहिए, डीजल तो वो तो सरकार के हाथ में है। लेकिन देखो खाद पे तुम्हारे आप 250 रुपए और बढ़ गए, तो किसकी सरकार, किसकी सरकार चाह रही है? नहीं, महंगाई तो बढ़ गई है, ये तो बात सही है, लेकिन किसी सरकार चाह रहे हो आप? सरकार इसकी बननी चाहिए जो हमें फायदा करे। सही बात है, लेकिन आपकी नजरों में भी कोई ऐसा होगा जिसे आप चाहते हो कि मुख्यमंत्री बने? क्या पता कि भैया किसके नसीब में लिख रही है। नहीं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, किसे वोट करोगे, कहना चाहोगे? महंगाई पे या किसी और चीज पर? महंगाई क्या भैया, डीजल मद्दा होना चाहिए और खाद मद्दा होना चाहिए। नहीं, ये तो परेशानी है डीजल खाद की, बहुत तगड़ी परेशानी है। तो किसे? अपनी जमीन है जोतने भी छोड़ देगा, यह हाल है। तो क्या नाम है दाऊ तुम्हारा, क्या नाम है? रामपाल। किसको चाहते हो 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? अरे यार हम जानते हैं ज्यादा बातें करनी ना। कौन अच्छा लगा है, योगी, अखिलेश, मायावती या कांग्रेस? अरे हम तो पार्टी छोड़ चले जाएंगे यार। कौन सी पार्टी में हो? बीजेपी की पार्टी बाकी है। बीजेपी है, क्यों है, क्यों देखना चाहते हो बीजेपी को सत्ता में? बीजेपी हमें और कोई गिनेगा भी तो कोई ना। अच्छा, गिनती की वजह से हो? काम की वजह से नहीं हो? तो गिनेगा भी तो कोई, काम की वजह से नहीं हो? काम ही काय को काम है, सब काम ही है ना। विकास के ऊपर लोग, विकास के ऊपर वोट देते हैं, आप गिनती के ऊपर देते हो? हाँ बस ना, कोई कहीं भी। क्या नाम बताओ तुम्हारा? जागन सिंह। जागन सिंह, क्या चाहते हो 2022 में उत्तर प्रदेश में किसी सरकार आए? सरकार चल रही, वही चलनी चाहिए। बीजेपी? बीजेपी क्यों चलनी चाहिए, क्या वजह है? अरे बहुत से काम अच्छे हैं। क्या काम अच्छे हैं बता दो, काम बता दो, दो चार काम के नाम। ढोर खुलने हैं। अच्छा, अब रुक गए ढोर खुलने? ढोर खुलने हाँ कम हो रहे हैं अब। अच्छा, आज अनजान हम छोड़े आवे, वहीं चलते रहे, ठड़े रहे हैं। अच्छा, जंगल में। हाँ। और साहब 2000 महीना के हर किसान को मिल रहे हैं। महीने कहाँ मिल रहे हैं, चार महीने में आ रहा है। मिल तो रहे हैं 2000, 2000 में मिल तो ऐसे 2000 में चार महीने कट जाएंगे। ले तो ऐसे ही आवे हैं जाकर, उन्हें चार मिल जाए, मिल तो जाए 2000 रुपए में कट जाएंगे। कुछ तो एहसास हो ही जाए बुढ़े आदमी, बहुत एहसास हो जाए। तो उसमें महंगाई भी बढ़ गई है, डीजल पे महंगाई बढ़ गई है और डाई पे महंगाई बढ़ गई है, खाद पे महंगाई बढ़ गई है, यूरिया पे महंगाई बढ़ गई है, यूरिया पे महंगाई बढ़ गई है, काफी महंगाई बढ़ गई है, तेल पे, डीजल पे। सबकी सरकार में बढ़े है? नहीं नहीं, इसमें ज्यादा बढ़ी है। सबकी सरकार में, पिछली सरकार में कहां बढ़ी? सरकार में नहीं था ये। अरे सब डीजल की महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई है, खाद की महंगाई है, डाई की महंगाई, बहुत सी महंगाई ऐसी बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है आपका? इधर आओ, देखो एक मिनट। क्या चाहते हो 2022 में किसकी सरकार बने? है? किसकी सरकार बने बता दो, खुले को टेंशन वाली बात ना। भाजपा की क्यों चाहते हो, किस वजह से चाहते हो? है? किस वजह से चाहते हो? किसान पे ऐसा नहीं सरकार में, तो ये तो खुद भाजपा की, तुम भाजपा ही कह रहे हो। भाजपा की ही कह रहे हो? हाँ, तो यही इससे आनी चाहिए ना, यही आनी चाहिए। और आप ही कह रहे हो आपके भाजपा, भाजपा की सरकार परेशान है। क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो भाजपा की सरकार बने? क्यों चाहते हो? परेशानी मतलब कुछ ना, फायदा है इसमें। क्या फायदा है? राशन भी मिलता है इसमें, राशन मिला है इसमें।
महीने महीने राशन मिलता है इसमें। अच्छा। फ्री भी मिला है, मतलब पैसे से मिला है। और बताओ, और ही फायदा है। क्या फायदा है बता दो, आप खुल के टेंशन वाली कोई परेशानी वाली बात ना आप बता दो। चोरी भी ना हो रही है, चोरी पिछली सरकार में तो होती है, पिछली सरकार में तो होती ना। बामे तो हो गई, बामे तो हो गई है। और फिर बात सुनो, और अब भी इमदाद मिल रही है बाढ़ में इसमें अब भी इमदाद मिलेगी मोदी सरकार में। अच्छा, बाढ़ में इमदाद मिलेगी, तो अभी तक तो मिली नहीं है। मिलेगी, अच्छा मिलेगी, पक्का भरोसा है। पक्का भरोसा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो क्या चाहते हो 2022 में किसकी सरकार बने? मोदी जी की माना? मोदी और योगी की। क्या नाम है आपका? दानवती। तो क्या चाहती हो 2022 में किसकी सरकार बने उत्तर प्रदेश में? मोदी की और उनकी योगी की। योगी की बने? हाँ। क्यों चाहती हो, क्या वजह है? काम अच्छे लगेंगे आपको? अच्छा सुविधा करा रहा हूँ आपके साथ। क्या सुविधा अच्छी करी है? लो औरतों तक पैसा डाले, औरतों के लिए पैसे डाले। किसानी हो गई खराब, तब पैसा डालेंगे फिर से। अच्छा, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई बता रही हो? हाँ, तो क्यों, ये बड़ी तो इसी सरकार में है, बड़ी तो इसी सरकार में। गैस सिलेंडर अगर डलवाए हैं उन्होंने तो उस पर भी गैस में है? और वो धान मारेगा, शादी बाल को रहेंगे करते तो भैया। अच्छा, तो महंगाई भी तो बढ़ी है, महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई हमारे ताई तो रही है, ताई महंगाई तो सब ले रहे हैं, तेल पानी बस। अच्छा अच्छा, क्या नाम है ताई तुम्हारा? ताई नाम क्या है तुम्हारा? 2022 में किसी सरकार चाहती हूँ, 2022 में कौन मुख्यमंत्री बने? इन्हीं की चाहते हैं, जगह है कौन? योगी जी, योगी और मोदी जी। अच्छा, तो क्यों चाहती हो, क्या वजह है? जब वो भलवन साई कर रहा है तो वो चावे है। भलवन साई कहाँ करिए, भलवन साई कहाँ करिए, महंगाई बहुत कर दी उन्होंने। तो महंगाई कोई बात ना, अब बताओ वो सरसों का तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया? सबके ताई महंगाई है, कहाँ है, कोई बात ना है, सबके ताई महंगाई है। अरे है तो किसानों द्वारा हो रहा है, लेटा गेहूं धान है तो किसानों के। डीजल तो ना किसानों का है? डीजल तो ना किसानों का। अरे तो कोई बात ना, ट्रैक्टर की जुताई तेल महंगी चल रही है, तो है वो नुकसान चल रही है, नुकसान तो किसानों को। तेल महंगा तो कहा, नुकसान तो किसानों को ही। अगर डीजल अगर महंगा होता है तो। अरे है तो सब अपने फायदा लौट फेर के, कहाँ है अपना फायदा? डीजल महंगाई में अपना फायदा कैसे हो गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम सिंह सैनी। क्या चाहते हो 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश का योगी जी होने चाहिए। अच्छा, क्यों होने चाहिए, क्या वजह है, किस लिए होने चाहिए? काम जितने करें अच्छे करें। कौन से काम अच्छे करें? कमी तो हो ही आवे आदमी से, थोड़ी ये सब काम सही हो गए ना। कुछ जो काम अच्छे करें हैं उन्होंने वो बता दो। अरे एक काम थोड़ी है, बताओ, लैट्रीन बाथरूम समझे? बाथरूम कहाँ दिए? लैट्रीन दिए, लैट्रीन बाथरूम थोड़ी है, गल्ला। अच्छा समझे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। और अब महंगाई भी तो बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ी रही साथ साथ में, तो महंगाई तो इसी सरकार में बढ़ी है। महंगाई तो इसी सरकार तो पहले ही बढ़ती है, अब भी बढ़ेगी, इसके बाद में और ही बढ़ेगी ना। अगर किसी और की सरकार आ गई तो फिर उसमें बढ़ेगी क्या? उसमें क्या पता और बढ़ेगी, उसमें क्या पता कम हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? पप्पू सैनी। किसे चाहते हो 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? हम तो साहब मोदी को चाहते हैं। मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री योगी बने, मोदी ये दोनों बात नहीं, योगी भी चाहते हैं सरकार। हाँ जी, तो क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं, काम तो कुछ सही है, जो भी है, जो काम हुए वो सही हुए। क्या काम सही हुए? अरे ये सुविधा है, मतलब जी योजना मिली है, वो भी योजना ज्यादातर मिली है इस सरकार में। और क्या क्या योजना मिली है? अरे योजना है जैसे गैस सिलेंडर वगैरह है। गैस सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया, तो महंगा हो गया। 400 पिछली सरकार में 400 था, अब 1000 रुपए का हुआ। सही, महंगा हो गया, महंगा हो गया, कोई बात नहीं। महंगाई तो हर सरकार में बड़ी है। कहाँ बड़ी है? उस सरकार में कहाँ बड़ी है? अरे अगले सी सरकार हुई तो उसमें भी महंगाई रही है, महंगाई तो उसमें भी हुई है ना। महंगाई कौन सी सरकार में हुई है? महंगाई अगर इस सरकार में ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ से कहाँ? लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से पब्लिक पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। लॉकडाउन भी सरकार ने लगाया। हाँ तो लगाया, वो तो कोई मजबूरी है, उन्हें भी मजबूरी होगी, भाई उन्हें मजबूरी होगी लॉकडाउन लगाने की, कोई अपना थोड़ी लगा दिया। तो पेट्रोल तो लॉकडाउन से पहले ही महंगा था, सोगू था पहले इससे पहले। भैया अब जब एक साथ लाओ, दुनिया इतनी बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है और बाइकें बढ़ रही है, तो पेट्रोल भी महंगाई तो बढ़ेगी। और क्या क्या बढ़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्यों घटेगा थोड़ी? अब क्यों घट भी सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है बढ़ेगी। घट तो आई है, मतलब जैसे 2 रुपए बढ़ गए तो 1 रुपए घटेगा तो नहीं तो 1 रुपए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मूर्ति नाम है। किसे चाहती हो 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने? बता दो खुल के, डरने की जरूरत नहीं है। डरना ना, दिमाग में आ रहा, दिमाग में आ रहा, चक्कर आ रहे हैं मुझे, चक्कर आ रहे हैं। ना तुम मत को, जो वो कहेंगे तुम्हें जरूरत नहीं कहने की, अपना आप कहो तुम। हम तो ये नहीं चाह रहे हैं, जो आज सरकार आज में है, आज में है, आज में है योगी की। हाँ योगी की, वही चाह रही हो? वही चाहती है। क्यों चाह रही हो, क्या वजह है? अरे
बहुत कुछ सुविधा है हमारे। क्या सुविधा है, सुविधा भी बता दो दो चार। हाँ वो भी बता दो। एक तो हम पे जमीन भाड़ा ना तो खाने को अनाज मिलता है हमें। अच्छा ठीक। हाँ सीधी सीधी बात, सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। और ना हमें तो रोटी भी हतन आती। अच्छा, और लॉकडाउन जो लगाया उससे काम जो खराब हुआ तुम्हारा, उसका उसका ही फायदा है। हैं? उसका ही फायदा है। लॉकडाउन में फायदा है, लॉकडाउन में क्या फायदा है तुम्हारा भाई? फायदा है नहीं, लॉकडाउन में तो कोई फायदा नहीं है, लॉकडाउन में तो कोई फायदा नहीं हुआ।